हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री वीडियोस पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन स्वतंत्र सेनानी के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के बारे में। दोस्तों, उबैदुल्ला का जन्म ब्रिटिश भारत के पंजाब के सियालकोट जिले में उपलाल खत्री परिवार में हुआ था। उबैदुल्ला के जन्म से 4 महीने पहले उनके पिता की मृत्यु हो गई, जिन्हें दादाजी द्वारा 2 साल तक पाला था। उबैदुल्ला 15 साल की उम्र में इस्लाम में परिवर्तन हो गए थे। बाद में दारुल उलम देवबंद में दाखिला लिया। दोस्तों, वह मौलाना राशिद गगोई और मौलाना मोहम्मद अल हसन समेत अन्य प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वानों के साथ जुड़े। मौलाना उबैदुल्ला 1909 में दारुल उलम देवबंद लौट आए और धीरे धीरे पैन इस्लामिक आंदोलन में शामिल हो गए। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वह देवबंद स्कूल में नेताओं में शामिल हो गए थे, जिन्होंने मौलाना मोहम्मद अल हसन की अगुवाई में भारत छोड़ दिया था, जिसे भारत में एक पैन इस्लामिक क्रांति और रेशम पत्र के लिए दुनिया के अन्य राष्ट्रों के बीच समर्थन लेने के लिए भारत छोड़ दिया था। अफगान के अमीर हबीबुल्ला खान को रैली देने के लिए उबैदुल्ला युद्ध के दौरान काबुल पहुंचे और थोड़े देर बाद उन्होंने जर्मन समर्थन के साथ ब्रिटिश भारत में क्रांति के लिए राजा महेंद्र प्रताप की योजनाओं को अपना समर्थन दिया। वह दिसंबर 1915 में काबुल के गठित भारत की अंतिम सरकार में शामिल हो गए। कई देशों में गुजर जाने के बाद उबैदुल्ला सऊदी पहुंचे। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ दारुल उलम देवबंद ने विश्व के अन्य सहानुभूतियों के राष्ट्रों की सहायता से ब्रिटिश सरकार भारत में पैन इस्लामिक के कारण को आगे बनाने का प्रयास किया। मोहम्मद अल हसन के नेतृत्व में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम कटिहार प्रांत में जनजाति बेल्ट में शुरू होने वाली विद्रोह के लिए योजना तैयार की गई थी। मोहम्मद अल हसन ने हिजाज के लिए तुर्की गवर्नर गलिब पाशा की मदद लेने के लिए भारत छोड़ दिया। जब हसन के निर्देश पर अब्दुल्ला ने अमीर हबीबुल्ला के समर्थन की तलाश में काबुल की ओर अग्रसर किया। शुरुआती योजना इस्लामी सेना का मुख्यालय मदीना में हुई थी। काबुल में एक भारतीय दल के साथ मौलाना हसन इस सेना में जनरल के चीफ थे। उबैदुल्ला के कुछ छात्र वहां पहुंचने से पहले उबैदुल्ला के कुछ लोग काबुल गए थे। काबुल में रहते हुए उबैदुल्ला इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि भारतीय स्वतंत्र आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने से पैन इस्लामिक कारण सबसे अच्छा होगा। उबैदुल्ला ने अफगान के अमीर को प्रस्ताव दिया था कि वह ब्रिटेन भारत के खिलाफ युद्ध घोषित करे। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 1916 में उनकी गिरफ्तारी से पहले आंदोलन में शामिल होने के लिए जाने जाते थे। मौलाना अब्दुल्ला सिंधी और मोहम्मद अल हसन दारुल उलम देवबंद के प्रिंसिपल अक्टूबर 1915 में ब्रिटिश भारत के जनजाति बेल्ट में मुस्लिम विद्रोह शुरू करने की योजना के साथ काबुल गए थे। इस उद्देश्य के लिए उबैदुल्ला प्रस्ताव था कि अफगानिस्तान के अमीर ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध घोषित करें, जबकि मोहम्मद अल हसन ने जर्मन और तुर्की की मदद मांगी थी। हसन हिजाज चले गए। इस बीच उबैदुल्ला अफगानिस्तान के अमीर हबीबुल्ला के साथ मित्रपूर्ण संबंध स्थापित करने में सक्षम थे। काबुल में उबैदुल्ला अपने कुछ छात्रों के साथ ब्रिटेन के खिलाफ जिहाद में शामिल होने के लिए तुर्की जाने का रास्ता बना रहे थे, लेकिन अंत यह निर्णय लिया गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने के पैन इस्लामिक कारण को सर्वश्रेष्ठ सेवा दी जानी चाहिए। ये थे हमारे स्वतंत्र सेनानी मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। दोस्तों, इन्हीं की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करके, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।